में सेकुलर, जिसकी जिसकी चर्चा होती है कि वो सेकुलर है या नहीं और इसको किसी प्रतीक से जोड़कर देखा जाता है, बद्री साहब सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या कहती है? देखिए सेकुलरिज्म की वैसे कोई फिक्स परिभाषा, बहुत तरह की परिभाषाएं हैं, जैसे है ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो बहुत तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन मूलतः यह है कि जो एक एक समाहारी समाहारी जीवन शैली जो 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 फिक्स नहीं हो, रूढ़ नहीं हो और जो सबको अपने में स्पेस दे, वो उसकी मूल अवधारणा है जो, और गंगा जमुनी संस्कृति और ढेर सारी जो हमारे उसके लिए शब्द हैं सेकुलरिज्म के लिए, तो सेकुलरिज्म हमारे यहां की जीवन संस्कृति है और जीवन संस्कृति को जब काट करके जड़ करके जड़ बना के काट करके प्रतीक में बदल दिया जाता है, मात्र प्रतीक में, तब वो एक रेटारिक का विषय हो जाता है जो कि राजनीति पाया करती है। और यही हुआ है कि जीवन जो सेकुलरिज्म हमारे यहां की या जो टोपी जीवन संस्कृति है उसको एक महज प्रतीक में बदल देना और एक राजनीतिक प्रतीक में और बदल के उसे एक मैसेज देना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए जब होने लगता है तो संस्कृति अपना अर्थ खोने लगती है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, प्रतीकों का उपयोग राजनीति वही करती ही है और हम लोग चाहे जो कहें कि ये नेताओं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसल आप बताइए कि जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं ऐसा ये तो ये प्रतीक है और इस तरह की मैं सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता हूं, जब मैं वाराणसी जाऊंगा तो वहां के मुसलमान मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब वो जहां कहीं जाते हैं सांस्कृतिक टोपी भी पहनते हैं और सिख धर्म की पगड़ी भी पहनते हैं, लेकिन जब स्कल कैप उनको दी जाती है तो वो लौटा देते हैं, इसके खास मायने होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पहले अलका एक बात ये समझ लीजिए कि बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो टोपी प्रचलित है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये बहुत अजीब सी बात है कि एक टोपी को इस्लाम मजहब के साथ जोड़ा गया है। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ भारत महाद्वीप में ही मुस्लिम जो है वो टोपी पहनते हैं, एक खास तरह की टोपी पहनते हैं। भारत में भी जो टोपी आई है वो तुर्कों से आई है, टर्किश कल्चर का हिस्सा है, धर्म का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वयं नमाज पढ़ता हूं लेकिन बगैर टोपी के पढ़ता हूं, टोपी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और बहुत बड़ी आजादी पड़ती है, बहुत अफसोस है कि उसको जोड़ा गया है। दूसरी बात यह कि आप देखिए टोपी तो आरएसएस वाले भी पहनते हैं, आरएसएस के कल्चर में है, समाजवादी के कल्चर में भी है, आम आदमी की भी टोपी है, यानी ये टोपी है और उनकी टोपी भी वही टोपी है, मिलती जुलती टोपी है जो मुसलमानों की टोपी होती है। ऐसा नहीं है कि लाल टोपी पहन के आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक कल्चर का हिस्सा है जो भारत और भारतीय महाद्वीप में इस्लाम से जोड़ दी गई है। एक दूसरी बात यह कि मोदी साहब अगर सिखों की पगड़ी पहनने में कोई इतराज नहीं है, दूसरी सारी चीजों में कोई इतराज नहीं है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक ये टोपी से उनको क्या परहेज है। मुझे ये लगता है कि अगर उनको ये बता दिया जाए कि इस टोपी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सांस्कृतिक परंपरा है और तुर्कों की देन है, तो मुझे लगता है कि इस पर हाय तौबा नहीं होगी और मोदी नहीं हो सकता है। वो पहली वाली जो आपने परिभाषा बताई और उसका असल में तथ्य क्या है ये बताया, हो सकता है मोदी साहब को वो किसी ने बताया हो। लेकिन अजय साहब आप कहीं जाते हैं तो वहां की कुछ चीजों को इसलिए अपनाते हैं ताकि वहां के लोगों को ये संदेश आप दे सकें कि आप उनमें से एक हैं, उनकी उनकी मान्यताओं और उनके उनकी उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको उनको आप ठीक मानते हैं और शायद इसलिए ये वननेस दिखाने के लिए भी कई बार आप ये करते हैं। नहीं इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अगर आप देखिए तो दूसरे जो देश है उसके स्पोर्ट्समैन आते हैं हमारे यहाँ तो उनको आरती होती है, हाँ सब कुछ होता है, तो वो तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, वो अपना चुपचाप लगवा लेते हैं। दरअसल जैसा पहले भी कहा कि छवि का सवाल था, मोदी जी को मोदी जी की जो अपनी छवि है वो उसके आसपास ऐसे अटके हुए थे कि अगर वो शायद ले लेते तो जो लोग उस उनके लिए खड़े हैं वो उनको उनके सपोर्ट में ना आते और कहीं ना कहीं वो डाइल्यूशन होता, तो छवि में कैद थे वो। तो वो जो छवि जिसके बारे में पूर्णिमा जी आप बीच में कुछ कहना चाह रही थी वो भी आप कहिएगा, और ये भी एक सवाल के साथ मैं आपके पास आती हूँ कि जो एक उनकी छवि जो उन्होंने खुद ही उसको कल्टीवेट किया था कि हिंदू हृदय सम्राट, तो क्या कहीं ना कहीं मोदी
खुद अपने बनाए वो जो एक घेरा था उसमें वो खुद ही एक तरह से फंस गए, जिसमें आप निकलना भी चाहते हैं, पूरी तरह निकलना भी नहीं चाहते और अभी भी वही हैं। नहीं, एक्चुअली वो कहते हैं ना एक टर्म है इंग्लिश में, प्रिजनर ऑफ हिज ओन इमेज, वो उसी में कैद होकर रह गए हैं और उनको लगता है कि उस इमेज की वजह से उनको लार्जर ऑडियंस जो इंडिया का है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और शायद मन में कहीं डर है कि वो अगर टोपी पहन लेंगे तो उस जो बड़ी ऑडियंस है उसमें गलत मैसेज जाएगा। मैं जो ऐड करना चाह रही थी वो मोदी जी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात इसलिए बार बार उठती है कि उन्होंने किसी धर्म की, किसी समुदाय की, किसी रीजन की टोपी या हेडगियर पहनने से मना नहीं किया है, मना सिर्फ स्कल कैप के लिए किया है, इसलिए वो एकदम आउट ऑफ वो लगता है, प्रोपोर्शन लगता है उनका वो मना करना। मिशन के तहत ये तभी हुआ था जब उनको टोपी ऑफर की गई थी, मैं वहां पे था जब आप सद्भावना का संदेश दे रहे हैं और उधर से कोई ऐसा एक प्रतीक ही सही लेकिन लेकर आ रहा है, तो दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि आपको ये लग रहा है कि आप अगर सद्भावना का मिशन आगे लेकर चल रहे हैं तो उसमें आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए मोदी सतर्क होकर पीछे हटते हैं, या फिर ये भी मुमकिन है कि उनको वाकई प्रतीकों के तहत ही उसका सम्मान कर लेना चाहिए। प्रतीकों के तहत आप देखिए ना, सिंपल बात है कि उनको ये लगा कि जो छवि है उसके अगेंस्ट जाएगा। आप इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो एलके आडवाणी गए थे और इस्लामाबाद में उन्होंने जाके और वो सब कह दिया, उसके बाद देखिए शोर हो गया और उनकी इमेज पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो उनके सामने एक एग्जाम्पल भी था कि अगर कोई आदमी जाके और अपने छवि के अगेंस्ट कोई एक्ट किया तो वो दिक्कत होती है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में ज्यादा उसने वे किया। अच्छा, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि आप वहां थे, इसलिए मेरा छोटा सा सवाल इसमें यह है कि आपको वो पूरा दृश्य ध्यान होगा जब पहले उनको शॉल जिसको कहते हैं वो पहनाई गई और तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी जब शॉल उनको पहनाई गई थी, और लेकिन जब उसकल के आपको ऐसा लगता है कि अनोइंगली और उस वक्त उन्होंने बहुत सोचा नहीं होगा और ये ऐसी यूं ही हो गई। देखिए वो स्क्रिप्टेड था, कुछ ऐसा नहीं था कि उसमें कोई अनजानी चीज थी। हाँ, टोपी वाली चीज अनजानी अचानक आई, तो टोपी वाली चीज जैसे ही अचानक आई तो अगला अलर्ट आदमी है जो कि छवि, अपने छवि को लेकर बहुत ही ज्यादा अलर्ट है, उसने धीमे से उसको रख लिया, ऐसा हमें लगा वहां पे देख के। ये असल में वैसा जैसा कह रहे हैं अजय अलका जी वैसा था जिसमें आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं, ये वैसा नहीं था कि आप उस वक्त रियलाइज नहीं कर पाए और आपने किसी चीज को मना कर दिया। सेकुलरिज्म और टोपी का कनेक्शन है क्या, लोगों ने ये कहा? या पोशाक धारण करना ये सेक्युलरिज्म की बेस नहीं हो सकती। टोपी का सेक्युलरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, और वो बात जो मोदी साहब ने कही मैं उससे सहमत हूं कि ये तुष्टिकरण वाली बात होती है। तो एक वो रिस्पेक्ट दे में लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि जो टोपी लगाया वो सेक्युलर नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। नहीं, टोपी पहनने से तो ऐसा सेक्युलर का तो कोई वो है नहीं। कुछ लोग सर टोपी से ढकते हैं, कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, तो इसको सेक्युलरिज्म से मैं नहीं